यहाँ पे गाड़ी काफी चोरी होती है, खास करके मोटर बाइक। काफी लोगों से मैंने सुना था, सोचा थोड़ा ध्यान रखा जाए। भाई चार बड़े बड़े आम लिया और उन्होंने सिर्फ लिया मुझसे 30 रुपए। हाउ मच फॉर द प्याज? हाउ मच? 1000। 3 रुपए का प्याज है भाई, 3 रुपए का। तो भाई देखो यहाँ पे समोसा भी बन रहा है। हाउ मच भाई? 3 रुपए का समोसा मिल रहा है यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइस, एक नए से ब्लॉग में आपका वापस से स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त छोटी सी मार्केट में अफ्रीका के तंजानिया के, हमारे बिहार में तो से हटिया बोलते हैं, छोटी छोटी चप्पल की दुकान, बर्तन की दुकान, सभी बर्तन हैं, फोन का कवर, मौजे वगैरह मिल जाएंगे, अंडे मिल जाएंगे, फ्राइज मिल जाएंगे, पॉपकॉर्न मिल जाएंगे। सस्ता है यार, 13 रुपये के आसपास है, 14 रुपये के आसपास है। 500। काफी जोर से भूख लग गई थी, लेकिन पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, इसका नाम है कया वेतु पाजूरी रेस्टोरेंट। यहाँ पे भाई साहब ताश खेल रहे हैं। गुड हकुना बताता, हकुना बताता, पता नहीं मेरी हिंदी किसों में काफी लोग हंस रहे हैं। चलो फटाफट चलाते हैं अपनी गाड़ी और इस मार्केट से होके आते हैं। कैन यू प्लीज से इट? ओके, उनको बोल देता हूँ कि थोड़ा देखिए मेरी गाड़ी का। यहाँ पे गाड़ी काफी चोरी होती है, खास करके मोटर बाइक। काफी लोगों से मैंने सुना था, सोचा थोड़ा ध्यान रखा जाए। चलो फटाफट इस मार्केट चक्कर लगा के चलते हैं। छोटा सा हटिया है, हमारे गांव में हटिया लगता है, बिहार में बोलते हैं, मेरे गांव में लगता है हटिया मंगलवार को और शनिवार को। तो ऐसा ही फीलिंग आ रही है कि छोटा सा एक हाट टाइप का है। वो भाई साहब पकौड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। टू शंकर। तो भाई देखो यहाँ पे समोसा भी बन रहा है। हाउ मच? भाई 3 रुपए का समोसा मिल रहा है यहाँ पे। 1 1 2 2 2। तो भाई छोटा सा ये मार्केट है और सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। गांव का मार्केट लग रहा है, गांव से थोड़ा बाहर में आ गया हूँ, इससे थोड़ा इस तरह का मार्केट मिल रहा है आपको गांव में। इस तरह के मार्केट शहर में आपको इस तरह के मार्केट नहीं मिलेंगे, तो कुछ ऐसा है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मार्केट। काफी भीड़ है, आपको देख को लगता है या कोविड वगैरह नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? यहाँ पे कोरोना वगैरह है नहीं है भाई। नाइस कपड़े, कुछ मिल खरीद लूँ, पता नहीं क्या खरीदूँ। खाने के अलावा कुछ खरीदने के लायक खरीद नहीं सकता, इतना कहाँ लेकर दूंगा। ये शायद गन्ने का जूस है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या दिस सेम सेम? व्हाट इज दिस? दिस यस यस सेम सेम गन्ने का जूस। नो आसान से आना भाई, ये है क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं भूल गया मैं, गन्ने का जूस है। ओ आम भाई साहब, आम देखने में अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा मैग भी था। हाउ मच? ओके ओके, गिव मी 2 3 1 2 3 गिव मी 1 more 4। भाई चार बड़े बड़े आम लिया और उन्होंने सिर्फ लिया मुझसे 30 रुपए, सिर्फ 1000 लिया 30, चार बड़े बड़े आम के लिए। वाह, मेरे से काफी सस्ता है यार ये तो। क्या लगता है आपको, सस्ता नहीं है ये? चार बड़े बड़े आम की कीमत 30 रुपए सिर्फ। तो तंजानिया काफी सस्ता कंट्री है, उतना महंगा कंट्री भी नहीं है, मुझे लगता है कुछ भूल तो नहीं गया है। लोग हाँ हेलो कर रहे हैं उधर से काफी ज्यादा। आलू मिल जाएगा, अरे वो यहाँ भी मिलता है इंडिया में, बिहार में, मेरे बिहार में तो ओल कहते हैं, ये ओल है शायद। वाओ, केला सब कुछ मिल जाएगा आपको भाई यहाँ पे, तो आटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये मुझे समझ में नहीं है क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। बादाम, लोग देख के हंस रहे हैं मुझे। पाइनएप्पल कितने का पाइनएप्पल है?
How much? One, how much? मुझे नहीं आता. How much? How much? 1,000? 30 रुपए का एक है भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ. आसान तो आसान है. गल्ला कर रहे हैं पीछे से यार. लोग मुझे लगे खुश हो रहे हैं यहाँ पे लगता है. भुट्टे कितने का होगा? बड़े सस्ता होगा भुट्टे यहाँ पे. प्याज हाउ मच फॉर द प्याज? हाउ मच? 1,000. 3 रुपए का एक प्याज है भाई, 3 रुपए का. No, I don't need it. I don't know what is this. What is this? What is it? Do you speak English? No, I speak English. Yes. तो अंग्रेजी बोलता ही नहीं भाई. और मुझे स्वाहिली आती नहीं. काश मुझे स्वाहिली आती, कितना इजी होता ट्रैवल करने में ना. किसी को नहीं आती, लेकिन भी खतरनाक है यहाँ पे. ना मास्क ना सोशल डिस्टेंस. वेलकम टू तंजानिया. वेलकम टू तंजानिया. आपका स्वागत है भाई यहाँ पर. ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग. आप यहाँ पर आइए. भिंडी करीबू. करीबू मतलब होता है वेलकम. यार भाई यहाँ पे कितना रिस्पेक्ट मिलता है. बिहार में मेरे घर पे लोग बोलते हैं आना चाहता वैसे भाग यहाँ से. नो कोरोना या कोरोना? हमना ना कोरोना. हमना हमना मतलब होता है नो. नाइस. यहाँ पर कोरोना नहीं है भाई. छोटी मछली भाई, काफी सारी छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर. How much? No, what I will do? No, thank you. Asante. क्या करूँगा मछली यार? दो सौ का मछली यार सस्ता है. तीन से भाग कर दो. 100 रुपए का मछली मिल रहा था, काफी सस्ता है मेरे हिसाब से. भीड़ देखो, भीड़ तो बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है. सुकुनूनो. ये भी मछलियाँ हैं भाई, और ये भी मछलियाँ हैं. क्या दिख रहा है ये पूरा मार्केट? खड़ा मछली. मछली की महक मुझे बहुत बर्बाद सी लगती है. हकुना मताता ब्रदर. हाँ भाई साहब, मछली तो लगता है खाने लायक है. तो जाते हैं हम घर की तरफ. ड्राइव करते हैं. मार्केट को देख लिया, काफ़ी अच्छा रहा ये मार्केट. थैंक यू वेरी मच. आज के इस अच्छा लगा जी मार्केट आई सकता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा. अब चलना चाहिए, चलने का समय आ गया है. तो भाई ट्रेन का पता करने के लिए आया था. ट्रेन तो है, पैसे भी ठीक लग रहे हैं. 55,000 लग रहा है दर सलाम का. 55,000 का मतलब हो गया $20. 22 एक्चुअली. 22 गुना 7 कर लो. 22 सत्ते 20 सत्ते 44, मतलब 1500 रुपये के आसपास लग रहे हैं दर सलाम जाने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ता है. फ्लाइट $100 की आती है, और ट्रेन का मज़ा भी अलग रहेगा. लेकिन ये बोल रहे हैं कल सुबह 4 बजे, और खुलेगी कौन सा 8 बजे? When train will leave? Leading to an email torture. This time? 4 o'clock in the morning or in the evening? No? Jioni. And ticket counter will open at 8 a.m. ट्रेन पे ही टिकट खरीदना पड़ेगा. बस की तरह. सो आई कैन बाय टिकट इन द ट्रेन इटसेल्फ.